ऋतिक रोशन लोकप्रिय हैं, अच्छे अभिनेता हैं, हैंडसम हैं, चाहे तो हर साल 2 से 3 फिल्म कर सकते हैं और अन्य स्टार से आगे निकल सकते हैं, लेकिन वे फिल्म ही नहीं करते। उन्हें निर्माता निर्देशक फिल्म ऑफर भी करते हैं, लेकिन ऋतिक हाँ और ना के बीच झूलते रहते हैं। शुद्धि, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में इसी कारण उनके हाथ से निकली। पिछले दिनों ऋतिक रोशन को आनंद कुमार का बायोपिक ऑफर हुआ। सुपर 30 नामक इस फिल्म को विकास बहल बनाने वाले हैं। ये पटना के आनंद कुमार पर आधारित है, जो रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स चलाते हैं और बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराते हैं। इस सिलसिले में कुछ दिनों पहले विकास बहल, आनंद कुमार और ऋतिक रोशन ने मीटिंग भी की थी। ऋतिक को ये आइडिया पसंद भी आया, लेकिन अब खबर आई है कि उन्होंने ये फिल्म नहीं करने का फैसला लिया है। ऋतिक के फिल्म नहीं करने की 2 वजह सामने आ रही है। पहली, ऋतिक रोशन ने भारी भरकम फीस और मुनाफे में 50% भागीदारी मांगी, जिससे बात नहीं बन पाई। वही सूत्रों का कहना है कि पैसा फिल्म को न करने की वजह नहीं है, ऋतिक स्क्रिप्ट में बदलाव करना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन से भी सलाह ली। दोनों को लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप है, जिसमें जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। आखिरकार कुछ नया नहीं सूझा और इस स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए ऋतिक राजी नहीं हुए। सुनने में आया है कि सुपर 30 से जुड़े लोग अक्षय कुमार को लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अक्की से मुलाकात भी की। चूंकि अक्षय बेहद व्यस्त है, इसीलिए उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा है।